ओम शांति। आज हमारा विषय है जैसी मेरी स्मृति होगी वैसी ही मेरी अपनी सृष्टि, और जैसी मेरी अपनी सृष्टि वैसा ही यह संसार बनेगा। एक बहुत गहरी बात है सोचने की कि इफ देयर इज नो मेमोरीज, देयर इज नो थॉट्स, अर्थात अगर कोई स्मृतियां हमारे अंदर नहीं है या किसी के भी अंदर किसी भी प्रकार की कोई स्मृति ना हो, तो कोई विचार ही ना हो, संकल्प ही ना हो। और जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि संकल्पों से ही, विचारों से ही यह दुनिया चलती है, लेकिन हमारे संकल्पों और विचारों का आधार हमारी स्मृतियां हैं, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। और वही स्मृतियां, वही सबकॉन्शियस माइंड जो चैतन्यता का आधार है, जो कभी भी समाप्त नहीं होता है, हाँ उसके ऊपर वो अपने आप में बहुत पॉजिटिव है, जो डीप इनसाइड मेरा सबकॉन्शियस है, जहाँ मेरी इनेट वैल्यूज हैं, जैसे मैं एक शांति का दिव्य सितारा हूँ, मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं प्रकाशवान, मैं एक ज्योति हूँ, आदि आदि। ये जो है मेरा अपना वास्तविक स्वरूप है, ये मेरी स्मृतियाँ हैं, या कहें कि ये मेरे डीप डीप इनसाइट की संस्कार है। इसलिए जब हम अपने फोटोग्राफ्स खींचते हैं, उसको धो करके और धुला करके अच्छे से एल्बम में लगाते हैं या एल्बम बनते हैं, तो उस एल्बम में भी ऊपर क्या लिखा रहता है, स्वीट मेमोरीज, अर्थात पुरानी यादें तो हैं लेकिन कौन सी अच्छी वाली यादें हैं। हाँ कई बार हम बुरी यादें भी इतना संजो करके रखते हैं, 10 10 20 20 साल पुरानी, जिससे हम ही परेशान होते हैं। तो आज जैसे कि मुख्य बात आती है कि मेरी स्मृति जैसी होगी, अर्थात मेरे डीप इनसाइट में बातें जैसी बैठी होंगी, जैसी स्मृति वैसी मेरी वृत्ति बनेंगी, मेरा एटीट्यूड, मेरा देखने का नजरिया या भावनाएं, जिसको कहें, और जैसी वृत्ति होगी और वैसी ही मेरी दृष्टि बनेगी। दृष्टि को हम कह सकते हैं दृष्टिकोण या एटीट्यूड, या उस एंगल से मैं फिर देखती हूँ, और जैसी मेरी दृष्टि होती है वैसी ही फिर मेरी कृति बनती है, अर्थात कर्म, व्यवहार, बिहेवियर। और फिर जैसी कर्म कृति वैसी ही मन की स्थिति बन जाती है, अर्थात संकल्प वैसे होते हैं, विचारधाराएं वैसी होती हैं। और जैसे मन की विचारधाराएं हो जाती, एक
उसका भाव बनता या उसकी वो संस्कार पक्के हो जाते वैसे सोचने के, तो फिर मेरा अपना स्वयं का संसार या मेरी स्वयं की अपनी सृष्टि वैसी बनती, और जैसी मेरी सृष्टि तो वैसी ही मैं दुनिया रूपी सृष्टि का निर्माण करती हूँ। तो इसलिए हम सब ये कहते हैं कौन सी बात, कि दुनिया में एक चेंज आना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। दुनिया की हालत, संसार की हालत बहुत गिर गई, फलाने ये नहीं करते, फलाने वो नहीं करते, समाज को ये करना चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए। ठीक है, सब अपनी 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 जवाबदारी है, लेकिन विश्व परिवर्तन में मेरे स्वयं का योगदान क्या है या क्या मैं कर सकती हूँ, यह सबसे बड़ी बात है। इसलिए जरूरी है कि मैं अपनी स्मृतियों को बहुत ऊंचा बनाऊं, बहुत महान बनाऊं, बहुत श्रेष्ठ बनाऊं, जिससे मेरी वृत्ति, मेरी दृष्टि, कृति और फिर मेरी मन स्थिति और साथ साथ फिर देखा जाए तो मेरी सृष्टि बहुत सुंदर, सुखमय संसार बनाने के लायक बनेंगी। तो बाहर से अंदर की ओर नहीं, लेकिन अंदर के परिवर्तन से बाहर का परिवर्तन। अब कई बार हम नेगेटिव बातों को अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इतना ज्यादा डाल करके, पाल करके रखते हैं कि हमारे जीवन में आए हुए सुंदर सुहावने पलों को हम सेव किए हुए भी हैं, परंतु उसको पुनः पुनः स्मृति में नहीं लाते हैं। याद करें उन अच्छे दिनों को भी, अच्छे पलों को, उन अच्छी यादों को, स्मृतियों को, कि कब कब मेरे जीवन में ऐसे अच्छे सुहावने दिन आए थे, या बात हुई थी, या कुछ ऐसा मुझे मिला था, तो उससे खुशी की लहर मेरे अंदर आती जाएगी। और उससे ज्यादा ऊंची बात कि जब हम इस राजयोग का अभ्यास करते हैं या इस मार्ग पे कदम रखते हैं, परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं, तो हमारी स्मृतियों के अंदर पूर्णतः धीरे 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 करके एक रिफाइननेस आती जाती है। पुरानी रील जैसे कड़वी वाली है ना, नेगेटिव वाली, वो बंद होती जाती है और अच्छी स्मृतियां धीरे धीरे जागृत होती जाती है। हम सभी आत्माएं मूल रूप से सारे विश्व के जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं, वह मूल रूप से सत्वगुणी है, सात गुणों वाली, जिसका कभी भी विनाश नहीं होता है और जिसकी चाहना हमेशा बनी रहती है। और वो कौन सी है, उसका एक फॉर्मूला है, KP2LHBP। K मतलब नॉलेज, प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस और पावर, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम है, खुशी या जिसको कहे सुख, और साथ में आनंद, ब्लिस और पावर, शक्ति मीन्स पावर। तो इन सात गुणों के आधार पे हमारा यह मानव जीवन चलता है,
और बहुत खुशनुमा है, और परमात्मा इन्हीं सात गुणों के सागर, यूं तो हर गुणों के वो अनंत सागर हैं। तो जब मेरा बुद्धि और मन का डोर हम उनके साथ जोड़ते हैं या हम जोड़ें, तो हमारे अंदर इन गुणों की प्राप्ति होती जाती है, हम भरपूर होते जाते हैं, जिससे हमारी दुख, अशांति, तनाव आदि आदि जो जिसे कहें कि ये नेगेटिव घाव है, स्मृतियां हैं, वो फिनिश ऑफ होती जाती हैं। तो आइए हम एक दो मिनट के लिए अभ्यास करते हैं, अपनी स्मृतियों को पुनः जागृत करेंगे, पॉजिटिव स्मृतियों को शक्तिशाली बनाएं, ताकि इस सृष्टि को भी एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे सके। अपने आप को मस्तक के बीच चमकता हुआ एक दिव्य सितारा समझें, क्योंकि मैं ज्योति स्वरूप आत्मा एक दिव्य चमकते हुए सितारे के समान हूँ, अविनाशी हूँ। मैं ज्योति आत्मा बहुत शांत हूँ। शांति मेरा मूल धर्म है। शांति मेरा मूल स्वभाव है। मेरे परम पिता परमात्मा परम ज्योति वे भी शांति के सागर हैं। दिव्य ज्योतिमय परमात्मा जिनसे अनंत शांति की किरणें सारे विश्व में फैलती है, उनकी वह शांति की किरणें मुझ आत्मा पर भी आ रही है। मेरा मन बहुत शांत हो रहा है।